सो हियर इट इज़ द नाइट मोड गाइज। दोनों फॉगलेट्स में कुछ चेंजेस नहीं है, ये हमने आज चेंज किया था। और ये पुराना फिलिप्स वाला, ये 260 रुपीस का है और 800 रुपीस का है। इसका इंस्टॉलेशन वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगा थोड़ी देर में। और इसके बाद हम दो वीडियोस बनाने वाले हैं, एक इस लाइसेंस प्लेट लाइट पे, इसका ब्राइटनेस अब कम हो गया, हम इसमें ओसराम के बल्ब लगाएंगे और LED मैट्रिक्स वाले रिफ्लेक्टर लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू चेंज दिस फॉग लाइट। बेसिकली ये फॉग लाइट बहुत दिन से ख़राब है, पर मुझे टाइम नहीं मिला था, तो इस बार ही मैंने बुडमो से ये फॉग लाइट मंगाई है, जो है H8 और 35 वैट्स। तो इस वीडियो में हम इसको चेंज करेंगे। ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली पड़ी थी 260 रुपीस की। तो ये खोलने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम इधर से इसको पूरा खोलेंगे और बाद में ब्रैकेट निकालेंगे, तो उससे इजी ऑप्शन हमारे पास। दूसरा ये है कि हम इस साइड से इसको खोलेंगे, हमको थोड़ा सा एक हाथ डालने इतना जगह मिलेगी और उधर से हम ये रिप्लेस कर देंगे। तो इस वीडियो में हम इसी साइड से इसको खोलने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस साइड को खोलने से पहले हमको सबसे पहले इधर का ये लॉक निकालना पड़ेगा। अब इधर हमको बहुत थोड़ी सी जगह मिलेगी एक हाथ जाने की, तो मैं ट्राई करूँगा जितना वीडियो में आपको बता सकूँगा उतना। तो सबसे पहले आप हमको ये वाला लॉक निकालना है। लॉक निकालने के लिए मैं गाड़ी के अंदर का ही ये यूज़ कर रहा हूँ, आप स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं। इधर एक पॉइंट को आपको लगा के इसको ऐसे बाहर निकालना पड़ेगा, इस लॉक को। ये देखिए लॉक हमारा निकल गया है। और जब हम इसको फिर से बिठाएंगे, तो बिठाते वक्त आपको ऐसे ही इसको अंदर डालना है और बाद में इसको ऐसे पुश करना है, तो ये पूरा तरीके से लॉक हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको निकालने का ट्राई करते हैं। तो ये लॉक निकालने के बाद आपको क्या ट्राई करना है, आपको इसको इस साइड से खींचना है और दोनों हाथ यूज़ करके हमको ये ऐसे निकालना है। ये बेसिकली पहले भी डैमेज हो चुका था। हम इसको ऐसे खोलेंगे, देख सकते हैं जैसे कि हमारे इसके अंदर हाथ चला जाए। तो अब तो मैं पूरा वीडियो में दिखा नहीं पाऊँगा, अब मैं वर्टिकल मोड स्विच कर दूँगा जिससे मैं आपको अच्छी तरीके से बता पाऊँ। तो वो रही हमारे उधर फॉग लाइट। तो हमको उसको क्या करना है, हमको उसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है जिससे कि वो बाहर आ जाए। मैं ट्राई करूँगा, एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा है, दूसरा हाथ पता नहीं मेरा जा पाएगा कि नहीं अंदर। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है। और ये देखिए हमारे फॉग लाइट ऐसे बाहर आ गई है। ओके, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे बाहर निकाला कि मैं आपको अच्छी तरीके से बता पाऊँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी फॉग लाइट ये वाली बाहर आ गई है। तो अब इसको आपको सॉकेट के निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इसको दबाना पड़ेगा और ऐसे खींचना पड़ेगा। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ट्राईपॉड पे रखे मोबाइल, आपको इसको दबाना है इस लॉक को और इसको ऐसे बाहर खींचना है। ओके, तो मैंने ट्राईपॉड पे मोबाइल रख दिया है, तो आपको बताता हूँ मैं कैसे करना है। आपको एक हाथ से इसको दबाना है और दूसरे हाथ से इसको खींचना है बाहर। देख सकते हैं हमारे ये ओल्ड फॉग लाइट है, अब हम इसी जगह पे हमारा न्यू फॉग लाइट प्लेस करेंगे। और आपको एक ध्यान रखना है, कभी भी अब ये मेरा ख़राब हो गया तो मैं इसको ऐसे टच कर सकता हूँ, पर अगर आपका नया फॉग लाइट होगा, कौन सा भी बल्ब होगा जो हैलोजन है, आपको उसके फिलामेंट को इधर मतलब ग्लास को हाथ नहीं लगाना है जिससे उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो अब हम हमारा नया इंस्टॉल करेंगे, तो आप इधर भी देख सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। बारीक इसमें इधर देखा H8 12 वोल्ट 35 वैट लिखा है। तो आप इससे देख सकते हैं कि आपको कौन सा वाला लेना है बल्ब। H11 भी आता है, H16 भी आता है, जो दिखने में सेम होते हैं, बस इधर के थोड़े से चेंजेस होते हैं अलाइनमेंट में। तो आप आपका बुकलेट में चेक कर लीजिए कौन सा। तो आप अभी इसमें नया बल्ब इंस्टॉल करते हैं। वैसे बुडमो की पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इसके अंदर एक बड़ा बॉक्स आया था, बड़े बॉक्स में आया था ये। और देख सकते हैं इसके अंदर भी उन्होंने बबल रैप डाला है। तो हम इसको खोल लेते हैं। देख सकते हैं सेम ऐसा ही है, वो फिनिक्स कंपनी का कुछ तो था जो OEM था, बोश 12 वोल्ट 35 वाट का ये बल्ब है। तो सेम हमको लगाना है इधर और ट्राई करना है कि आप बिल्कुल भी इसे हाथ ना लगाए फिलामेंट को। तो हम जैसे उसको निकाला था वैसे इसको अंदर डालने का ट्राई करेंगे।
और ये लॉक का आवाज़ आएगा जब भी लॉक होगा, तो एकदम बारीक सा आवाज़ था। तो अब हम क्या करेंगे, मैं अभी गाड़ी का लाइट चालू करके देखता हूँ कि ये बल्ब चालू हो रहा है या नहीं। तो जैसे कि मैंने चेक किया, ये बल्ब चालू है। अब हमको सेम वही प्रोसीजर यूज करने हैं। मैं ट्राई करूँगा कि मैं मेरा फ़ोन वर्टिकल यूज़ करूँ, फ्लैशलाइट लगा के आपको दिखाऊँ। हमने निकालते वक्त उसको एंटी क्लॉकवाइज तरीके से निकाला था, और लगाते वक्त हमको उसको क्लॉकवाइज तरीके से लगाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बहुत मेहनत से पकड़ा है इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके सॉकेट में डालेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको इधर से अंदर डालना है और फिर हमको इसको क्लॉकवाइज घुमाना है जैसे कि ये लॉक हो जाए। ये लॉक हो गया है प्लेस में। अब हमको क्या करेंगे, हम फिर से जैसे ये लॉक्स निकाले थे उसको लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं, जैसे हमने फॉग लाइट चेंज की, तो ये देखिए कैसा हो गया है सब कुछ। अब हमको इसको अंदर से ठीक से डालना है और फिर से ये वाला लॉक लगा देना है। तो डालना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग नीचे से कीजिएगा, क्योंकि ये पार्ट चला गया अंदर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, जैसे हमने इसको निकाला था वैसे फिर से हमने इसको लगा दिया है। अब हम गाड़ी का लाइट चालू करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं, इस साइड की भी लाइट चल रही है और इस साइड की, ये इस साइड पे फिलिप्स का लाइट है, मैं भी पिछली बार चेंज किया था। और इस साइड में हमने बोश का लगाया है। फिलिप्स का मुझे लगभग 850 का पड़ा था और बोश का 260 रुपीस का है। तो ब्राइटनेस का आप रात को ही पता चलेगा, रात का मैं एक वीडियो डालूंगा। मोस्टली फिलिप्स का ब्राइटनेस ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए दोनों में, कि दोनों 35 वाट के ही है। तो मैं इसके एक रात की क्लिप अपलोड कर दूँगा इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़, टेक केयर।